नमस्कार, लोकल वेल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकल वेल ऐप के लेटेस्ट फीचर कैश एंड बैंक के बारे में। कैसे इस फीचर से आप अपनी फार्मेसी में होने वाले पैसों के लेन देन का लेखा जोखा बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैश एंड बैंक काम कैसे करता है और कैसे आप इसे बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल वेल ऐप ओपन करने के बाद आप होम स्क्रीन से भी कैश एंड बैंक सेक्शन में जा सकते हैं। आपको सेकंड ऑप्शन नजर आएगा कैश प्लस बैंक बैलेंस, या फिर आप मोर बटन पर क्लिक करके भी कैश एंड बैंक सेक्शन में जा सकते हैं। कैश एंड बैंक सेक्शन में आने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले आपको कैश इन हैंड नजर आएगा, सेकंड आपको ओपन चेक्स दिखाई देंगे, तीसरा है एड न्यू अकाउंट और चौथा है एड न्यू ट्रांजेक्शन। तो एग्जाम्पल के लिए आप जब भी कोई सेल या परचेज एड करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन जनरेट होता है। तो अगर उस ट्रांजेक्शन का पेमेंट मोड कैश है तो वो आपको कैश इन हैंड में शो होगा, उसका पेमेंट मोड अगर चेक है तो वो ओपन चेक्स में शो होगा, और अगर उसका पेमेंट मोड बैंक ट्रांसफर है या फिर UPI वॉलेट है तो वो आपको माई अकाउंट्स में शो। तो सबसे पहले हम यहाँ बैंक अकाउंट ऐड करें। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे एड न्यू अकाउंट पर। एड न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शंस नजर आएंगे कि हमें बैंक अकाउंट ऐड करना है या फिर कोई UPI वॉलेट ऐड करना है। तो अभी के लिए हम पहले बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको IFSC कोड फिल करना होगा। IFSC कोड फिल करने के बाद आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर फिल करिए, अकाउंट होल्डर नेम फिल करिए, और लास्ट में जो भी आपके अकाउंट का भी करंट बैलेंस है वो भी फिल करके ऐड अकाउंट कर दीजिए। तो आप देखेंगे ऐड अकाउंट करते ही आपको वो अकाउंट माय अकाउंट्स में नजर आने लगेगा और उसमें जो भी आपने उस समय बैलेंस फिल किया था करंट बैलेंस वो भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। और सेम इसी ही तरीके से आप UPI वॉलेट भी ऐड कर सकते हैं। उस बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। पहला है व्यू अकाउंट स्टेटमेंट, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस बैंक अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जो भी पेमेंट आया है या फिर जो भी पेमेंट गया है। फिल्टर्स में जाके आप डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट से लेके किस डेट तक के ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर देख। सेकंड ऑप्शन है एड न्यू ट्रांजेक्शन, इस पे क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शंस नजर आएंगे। पहला है कैश डिपॉजिट कि आपको बैंक में पैसा जमा कराना है, दूसरा है कैश विड्रॉ कि आपको बैंक से पैसा बाहर निकालना है, और तीसरा है सेल्फ अकाउंट ट्रांसफर कि आप अपने ही एक अकाउंट का पैसा अपने ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से इन ऑप्शंस को समझते हैं। कैश डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले डिपॉजिट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है डिपॉजिट टू दिस अकाउंट, तो यहाँ से आप चाहें तो जिस भी अकाउंट में आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं आप वो अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो यहाँ आप टाइप करें। ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर और ट्रांजेक्शन रिमार्क्स ऑप्शनल है, और अगर आपके पास डिपॉजिट स्लिप है तो आप उसको भी कैप्चर करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर दें तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कैश को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको नजर आएगा कैश विड्रॉ, तो जिस भी अकाउंट से आपको पैसा विड्रॉ करना है आप वो अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, और अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है आप वो अमाउंट फिल करिए और सेव कर दीजिए। और जो थर्ड ऑप्शन है सेल्फ अकाउंट ट्रांसफर, इसमें आपको दो अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा क्योंकि आप अपने एक अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप वो दोनों अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, जितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है वो अमाउंट फिल करिए, और अगर आपके पास ट्रांसफर स्लिप है तो आप चाहें वो भी अपलोड कर दीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 है एडजस्ट द अकाउंट बैलेंस। एडजस्ट अकाउंट बैलेंस करना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एडजस्टमेंट टाइप सेलेक्ट करिए कि एडजस्टमेंट में पैसा ऐड हुआ है या फिर रिड्यूस हुआ है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप अमाउंट फिल कर दीजिए जितने भी अमाउंट का एडजस्टमेंट हुआ है, और वही उसे आप सेव कर दीजिए, तो आप इस तरीके से अकाउंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चौथा है एडिट अकाउंट डिटेल्स, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज करना है तो आप एडिट अकाउंट डिटेल्स जाके कर सकते हैं, और लास्ट है डिलीट दिस। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से न्यू अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं और उसमें कोई ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। ऐड न्यू ट्रांजेक्शन आप कैश एंड बैंक के मेन पेज से भी मैनेज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन पे हम जाते हैं कैश इन हैंड, इसमें भी आप व्यू अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करके अपने कैश ट्रांजेक्शंस को देख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एड न्यू ट्रांजेक्शन, ये दोनों ऑप्शन हमने जस्ट अभी देखे थे एड न्यू अकाउंट करते समय, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ। और तीसरा ऑप्शन है एडजस्ट द अकाउंट बैलेंस, ये भी हमने एड न्यू अकाउंट करते समय देखा है, तो ये बिल्कुल सेम है। तीसरा है ओपन चेक, तो आपने जो भी ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू किया हुआ होता है वो सारे चेक्स की लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आएगी, जो भी चेक पेड इन है या फिर पेड आउट।
और जो भी चेक आपके क्लियर हैं वहाँ पे आपको नजर आएंगे, ये ओपन चेक्स की लिस्ट है, जो भी चेक अभी आपके ओपन पड़े हुए हैं। और सेकंड ऑप्शन में आपको क्लियर चेक की लिस्ट आएगी, जो चेक आपके क्लियर हो गए। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैश एंड बैंक पर। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और याद से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।